आज के इस वीडियो में हम सीटेट दिसंबर 18 पेपर 1 में पूछे गए पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। एनवायरमेंटल स्टडीज के सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। दूसरे विषयों की कक्षाएं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 61 नंबर, भारत के बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न को अच्छे से समझाने के लिए हम आपको भारत का नक्शा दिखाते हैं, जिसमें बिहार, जम्मू कश्मीर और गोवा सब मौजूद है। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है भारत का नक्शा। यहाँ पर बिहार है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर गोवा है। आपको पता होगा कि नक्शे में ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, दाएं साइड ईस्ट और बाएं साइड वेस्ट है, यानी बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, उत्तर पश्चिम की ओर अवस्थित है। वहीं गोवा पश्चिम, दक्षिण दक्षिण पश्चिम की ओर अवस्थित है। हम ऑप्शन में उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम को तलाशते हैं, वही सही आंसर हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में किस स्थिति में धीमी हो जाती है। वाष्पीकरण उसको बोलते हैं जब पेड़ से पानी हवा में उड़ जाता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है। यह डिपेंड करता है सतह क्षेत्र पर और तापमान दोनों में कमी पर, क्योंकि जब तापमान तेज रहेगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा, तापमान कम है तो वाष्पीकरण कम होगा। इसके अलावा सतह क्षेत्र पर भी डिपेंड करता है। रेगिस्तानी इलाके में जो पौधे होते हैं वो नुकीले पत्ते वाले होते हैं, उसका सतह क्षेत्र कम होता है, चौड़े पत्ते का सतह क्षेत्र ज्यादा होता है, चौड़े पत्ते में वाष्पीकरण अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है, यानी ये जो है चित्रण कौशल कहलाता है, क्योंकि जब कोई बंदा चित्र बनाता है तो उसको स्थान की, दूरी का, दिशा का ज्ञान होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में हमने आपको चित्र के माध्यम से बिहार, गोवा और जम्मू कश्मीर को समझाया था, यानी हमने स्थान, दूरी और दिशा सब बतला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या के क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। पर्यावरण अध्ययन का इम्पोर्टेंस सबसे पहले NCF 1975 में बतलाया गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि भी कहते हैं। यह जो है भारत के उस क्षेत्र में की जाती है जहाँ पहाड़ ज्यादा होते हैं, जंगल होते हैं, वनस्पति को काटा जाता है, उसको जलाया जाता है, उसके बाद साफ सफाई करके जुताई होती है, बीज की बुआई होती है, 2-3 साल खेती करते हैं, फिर मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो वह उसे लंबे समय के लिए फिर पड़ता छोड़ देते हैं, फिर कहीं और जाते हैं खेती करने। इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि कहते हैं। इस प्रकार की खेती होती है, इस प्रकार की खेती उत्तर पूर्वी क्षेत्र में की जाती है, जैसे बांग्लादेश से सटा हुआ क्षेत्र असम है, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ स्थानांतरित खेती का काफी रिवाज है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी नदी पर बांध बनाया जाता है, जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, उसमें वह बांध जो है पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, यह सही बात है। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरण प्रभाव हो सकते हैं, यह भी बहुत फायदेमंद ऑप्शन है। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, यह भी सही बात है, लेकिन बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह कथन सत्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, निम्नलिखित में ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट कक्षा में बतलाएंगे। यानी ग्रीन हाउस गैस इतना जान लें कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा भी कुछ ग्रीन हाउस गैस होते हैं जिसको याद करने की हम आपको ट्रिक समझाएंगे। इस वीडियो के लिए आप हमारे प्ले लिस्ट GK ट्रिक को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर,
भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। भारत जो है ठंडे रेगिस्तानी मानसून से प्रभावित नहीं होता क्योंकि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में कौन जिम्मेदार है। ताजमहल जो पीला हो रहा है अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला किसने बनवाया था। गोलकुंडा किला बहुत पहले काकतीय राजवंश ने बनाया था। सही जवाब है ऑप्शन तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 ग्राम पर मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा। द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है घनत्व गुने आयतन। घनत्व को जब आप आयतन से गुना करते हैं तो द्रव्यमान प्राप्त होता है। 15 या 45 ग्राम इसका द्रव्यमान हो जाएगा। वैसे भी आप देख ले, ग्राम पर मिलीलीटर को जब मिलीलीटर से गुणा करेंगे तभी ग्राम प्राप्त हो जाए होगा। सही जवाब ऑप्शन दो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में कौन आदिश राशि है। एक होता है सदिश राशि, एक होता है आदिश राशि। आदिश राशि और सदिश राशि की पहचान होती है द्रव्यमान जो है आदिश राशि है, बाकी गुरुत्वाकर्षण बल संवेग भार ये सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों है, द्रव्यमान में दिशा नहीं होता। सही जवाब है ऑप्शन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, एक ऐसी वस्तु जिससे कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकता उसे अपारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी उसको कहते हैं जिससे प्रकाश किरण गुजर जाता है, जैसे शीशा पानी। पारभासी उसको कहते हैं जिससे आधा अधूरा गुजरता है, जैसे तिल लगा हुआ कागज। उत्तल जो होता है दर्पण होता है, चश्मे का शीशा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा पर 10 केजी है। पृथ्वी पर कोई चीज आता है तो वह 6 गुना हो जाता है, 60 हो जाएगा, लेकिन केजी होगा या न्यूटन। जब भार पूछे तो केजी होता है और जो है द्रव्यमान कभी भी न्यूटन होता है, भार का मतलब केजी होगा। सही जवाब ऑप्शन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75, एक विलय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है। एक जो विलय होता है उसका विघटन दर सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, निम्नलिखित में कौन ऐसा कार्य सबसे उपयुक्त रणनीति होगा। अगर सुषमा अपने छात्रों को पेड़ों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है तो उसे चाहिए कि बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करे, अपने फैमिली मेंबर की तरह पेड़ पौधे को देखे, उसका देखभाल करे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन चार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है, इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। यानी जब सर्वेक्षण करेगा बच्चा अपने पड़ोस में तो समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा, ये ऑप्शन सही है, ये उपयुक्त है, उसको वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगी, यह भी सही है, उसको डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने का नेतृत्व का क्षमता आएगा, ये भी सही है, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है ये उचित नहीं है। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वो पीड़ित थे। जो समुदाय बीमारियों से पीड़ित थे उसे बीमारी समझने की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें मतलब ठीक होने से होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन चार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए पीड़िया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए LPG और इलेक्ट्रॉनिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण है। प्रिया अगर इस तरह की गतिविधि करती है तो ये दृष्टिकोण आपका हो जाएगा अन्वेषण दृष्टिकोण, क्योंकि अन्वेषण का मतलब होता है किसी अप्रोच यानी कारण को जानकर उसके निदान के लिए सही कदम उठाना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। समुदाय का मतलब होता है कम्युनिटी।
यह एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन क्यों है? सही जवाब हो जाएगा कि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि समुदाय में रहकर ही आदमी वास्तविकता को देखता है और उनसे बहुत कुछ सीख लेता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में यह बात बार बार दोहराया जाता है कि अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए, क्योंकि पाठ पुस्तकों से बाहर जाना, क्योंकि हम जो बच्चे को पढ़ाते हैं वो किताबों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हम किताबों से ऊपर उठकर गांव, समाज, देश, दुनिया सब घुमाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 81 है, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता और माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह विस्तारित परिवार है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की जो ये परिभाषा दी, यह शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, क्योंकि पढ़ाने का तरीका केवल परिभाषा से नहीं होता है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण को समावेशी बनाने के लिए उसे वास्तविक जीवन से जोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है, यानी गतिविधि को पहचानना है। चित्र पढ़ना एक गतिविधि है, फील्ड मार्शल करना, फील्ड भ्रमण करना भी एक गतिविधि है, श्याम पट का उपयोग करना भी एक गतिविधि है, यानी ओवरऑल सब के सब गतिविधि हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत हो, यदि यह समावेशी हो, यदि यह विषयगत हो। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि एकीकृत, समावेशी, विषयगत सब के सब कारण बनता है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 84 है, ईवीएस पाठ पुस्तक में एक अध्याय है सपेरा, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। जब बच्चों को सपेरा अध्याय पढ़ाएंगे तो वो सांप और सपेरा को पहचानेंगे। बच्चे जानेंगे कि सपेरा सांपों को नुकसान न पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका, यानी सपेरा जो सांपों का इस्तेमाल अपने भरण पोषण के लिए करता है, उनसे वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। यानी जब कोई सपेरा अगर कोई दूसरा व्यवस्था अपनी आजीविका का कर लेगा तो वह सांपों को जंगल में आजाद छोड़ सकता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सबसे प्रासंगिक है? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, यह शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। यह शिक्षण अधिगम के लिए बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। मिड डे मील जो होता है, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। कौन बच्चे कैसे खा रहे हैं, उसके खाने का क्या तरीका है, यह जो है ईवीएस से जुड़ा हुआ विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बतलाता है? बोझ के बिना सीखने का अर्थ होता है अवबोध का भार कम करने की जरूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? समूह में सीखने का एकमात्र उद्देश्य होता है एक दूसरे का सहयोग करना, सहयोग के मूल को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, बाला BALA का पूरा रूप क्या होता है? बाला का पूरा रूप होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? वैकल्पिक ढांचे का सही अर्थ है विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह क्या है? यह मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है, अंधविश्वास है। आपको चारों में अंतर पता होना चाहिए, आप खुद पहचान लेंगे कि यह क्या है। मिथक जो होता है प्राचीन पुराकथा होता है जो एक लंबे समय तक दिमाग में बैठ जाता है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता, लेकिन वैज्ञानिक तथ्य का एक प्रमाण होता है।
इससे कोई भी ज्ञात कर सकता है, कोई जब बार बार दोहराता है भिन्न लोगों द्वारा यह परखा जाता है। वहीं हम बात करें रूढ़िबद्ध धारणा की, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो वह रूढ़िबद्ध धारणा कहलाता है। रूढ़िबद्ध धारणा ही भेदभाव को जन्म देता है। किसी एरिया के लोगों को आप गंदा समझ लें तो ये रूढ़िबद्ध धारणा है। इस प्रकार हम जानते हैं कि अंधविश्वास के बारे में, अंधविश्वास एक ऐसा विश्वास है जिसका कोई उचित कारण नहीं होता, कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं होता। इन सब ऑप्शन को हम गौर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक मिथ है। क्योंकि मिथक इसलिए है क्योंकि लंबे समय से एक धारणा बनी हुई है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। हम महिलाओं को कमजोर समझते हैं, लेकिन वास्तविकता में वह कमजोर है या नहीं इसे प्रमाणित नहीं कर सकते। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हमें खुद स्वीकार करना पड़ता है कि महिलाएं पुरुषों से कमजोर नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन एक। ये थे पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन जो सीटेट दिसंबर 18 पेपर 1 में पूछे गए थे। सीटेट दिसंबर 18 पेपर 1 के दूसरे सब्जेक्ट के वीडियोस डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप जरूर देखें।